दिव्य आत्माएं, आज हम वादा किए थे आप लोगों को अनहद नाश सुनाने का, अब आ गया है समय, ठीक है। इसीलिए हाँ वहाँ की बात नहीं की, बात भी तो सच सही है, किए ना। पहली बात कहे कि देखिए समय आता है, घबराइए नहीं, समस्या सबके जीवन में आता है। शास्त्रों की बात इसलिए नहीं कहा कि शायद शंका पैदा हो जाए, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं वो नहीं ना शंका में जाएंगे, लेकिन आप अपने ही जीवन को ले लीजिए ना, आपका मन और लोग कितना हमसे अलग करने का प्रयास किए, बोलिए ना, कितना प्रयास किए हैं हमसे दूर करने के लिए, सत्य धर्म से दूर करने के लिए आप लोगों को कितना प्रयास अन्य किए ही, आपका मन भी किया, तो आखिर उस समस्या से जूझे कि नहीं जूझे, तो आप ही ना उस समस्या से जूझे। आज जो लोग छोड़ दिए हैं उनकी में और आप में अंतर है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है। आज वो सुख शांति को पाते होंगे जो आप पा रहे हैं, पा रहे हैं वो पाएंगे। तो इसलिए आता है समस्या, आता है आने दो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि समस्या को रोक दिया जाए। जैसे गर्मी को रोका जा सकता है, जाड़ा को रोका जा सकता है, वर्षा को रोका जा सकता है, बोलिए ना, बुढ़ापा को रोका जा सकता है, नदी के धार को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। समुद्र में जाकर के वर्षों तक पानी के अंदर रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता। दिव्य आत्माएं उसी तरह से समस्या आती है। अच्छा देवियां बताएंगी कि बर्तन एक ही दिन मांज दिया जाए तो फिर साफ न करना पड़े, ऐसा हो सकता है का? कोई केमिकल नहीं चलाए का? देवता लोग बताएंगे कि ये दाढ़ी कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बनवा दो फिर बनवाना ना पड़े, कोई है? है तो इसके लिए शिकायत नहीं करते हो कि गुरु जी कोनो ऐसा उपाय बताते ना कि एक बार कपड़ा साफ करते फिर गंदा ना होता, इसके उपाय नहीं कह, इसके नहीं बोलते हो गुरु जी ऐसा बताओ थी ना, एक दिन खा लेते फिर रोज खाई ला गोइल दोनों छुट्टी मिल जा, ऐसा नहीं पूछते हैं? दातुन कर लेकिन नहीं पूछते, कोई ऐसा बताइए एक ही दिन दातुन करे छुट्टी हो, ऐसे को होता है दिव्य आत्मा है। उसी तरह समस्या है, जैसे वस्त्र का गंदा होना, साफ कर लिया खत्म, अपना काम करता रहा आदमी, करता कि नहीं करता, दाढ़ी बना उप नहीं करते, अपना बना लिए बनवा लिए फिर अपना काम किए, बर्तन साफ हुआ तो नहीं कि ऐसा कि एक बर्तन फिर रोज रोज साफ करो, रोज रोज साफ करो, रोज रोज साफ करो, ये शिकायत नहीं करते हो। उस तरह से समस्या भी है, उसका ये आना ये जाना लगा रहता, बोलिए। तो मैं आपको एक सबसे बड़ा उपाय बताता हूं, संसार से इस शरीर मुक्ति का मतलब हुआ कि यह शरीर जब ध्यान दीजिएगा, मुक्ति का मतलब हुआ कि जब शरीर निकले ना तो मां आदि शक्ति के रूप में प्रवेश कर जाए, ज्योति निकले बिंदु, ये श्वास बिंदु है ना, श्वास बिंदु है, निकले और जाकर मां शक्ति की विराटता में मिल जाए, ठीक समझ गए। स्वर्ग का मतलब है कि बिंदु निकले लेकिन वहां तक ना पहुंचने पावे और बीच ही में ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक चाहे किसी स्वर्ग लोक इंद्रलोक में जाए और देवता बन जाए, और देवता बन करके जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग का खुशी और आनंद भोगे और फिर आ जाए धरती पर आदमी बनकर, और फिर यदि आदमी बनकर मुक्ति हुई कि जो विराटता में समा गया फिर आना जाना समाप्त हो गया, स्वर्ग हुआ स्वर्ग होकर के देवता बना, अस्वर्ग का सुख भोगा फिर नीचे आकर के आदमी बन गया,